नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि गीतों में शराब, अश्लीलता, नशा और हिंसा का महिमा मंडन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गैंगस्टर कल्चर बढ़ाने वाला है। कोर्ट ने तीनों राज्यों में किसी भी लाइव शो या पब्लिक प्लेस पर किसी भी गीत में इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कहीं ऐसे गीत बजे और कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए डीजीपी जिम्मेदार होंगे। मानेसर जमीन घोटाले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुरुवार को एक बार फिर तलब किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित कार्यालय में हुड्डा से लंबी पूछताछ की गई। उनसे सुबह लगभग 3 घंटे तक पूछताछ चली। उसके बाद हुड्डा लंच के लिए निकल गए। लंच के बाद वह दोबारा ईडी कार्यालय पहुंचे। दोपहर 3 बजे के बाद उनसे फिर पूछताछ शुरू हुई, जो देर रात तक चली। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने गुरुवार को हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से मुलाकात कर ट्रिब्यूनल गठित ना करने की मांग की। महाजन ने इस पर कहा कि यह फैसला वकीलों के हित में ही लिया गया है, अभी इसके गठन में समय लगेगा और ट्रिब्यूनल में कौन सदस्य होगा और ट्रिब्यूनल कहां होगा, इन सब पर अभी निर्णय लिया जाना है। सिंगापुर और ब्राजील की तर्ज पर अब हरियाणा में हर परिवार का पहचान पत्र होगा। प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आने वाले समय में इसी पहचान पत्र के जरिए मिलेगा। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल का शुभारंभ किया। अब पूरे प्रदेश में परिवारों के रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम शुरू होगा। पंजाब कैबिनेट ने विभिन्न केंद्रों में तरक्की के लिए जरूरी तजुर्बे में कमी करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा में किए गए ऐलान को अमलीजामा पहनाते हुए बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे उच्च कैंडर में खाली पदों को भरने के लिए मदद मिलेगी। पंजाब यूटी अप्लायंस और पेंशनर्स एक्शन कमेटी के आह्वान पर विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों के मुलाजिमों ने बड़ी संख्या में बस स्टैंड के मेन चौक पर सरकार के खिलाफ अर्थी फूक प्रदर्शन किया। इससे पहले कर्मचारी रेलवे स्टेशन के सामने पुल के नीचे इकट्ठा हुए, जहां 3 घंटे धरना लगाया गया। इसके बाद मार्च निकालते हुए बस स्टैंड के चौक में पहुंचे। इस मौके पर वर्क चार्ज और दिहाड़ीदार कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। हिमाचल में इसी साल से जल परिवहन सेवाएं शुरू होंगी। सरकार इसके लिए 29 करोड़ के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयारी कर रही है। केंद्र को डीपीआर भेजने से पहले ही सरकार अपने स्तर पर यह सेवाएं शुरू करेगी। बसों की तर्ज पर डैम में नौका विहार चलाने को परिवहन विभाग रूट जारी करेगा। इस योजना को शुरू करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जल परिवहन सेवा शुरू होने से घंटों का सफर मिनटों में होगा। ओलावृष्टि से फसलें बचाने में इजराइल की कंपनी हिमाचल की मदद करेगी। गुरुवार को इजराइल की कंपनी मैसर्स ऋषि FIBC सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष एंटी हेल नेट फ्लेक्सी टैंक और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों के बारे में प्रस्तुति दी। दिल्ली के सिविल लाइन में आज सुबह राहुल नाम के एक शख्स को जिम के बाहर दूर से गोली मारी गई। गोली राहुल की कमर में लगी, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहुल खतरे से बाहर है। राहुल नवीन शाहदरा का रहने वाला है और घर के सामान का डिस्ट्रीब्यूटर है। राहुल सिविल लाइन में अपने साले की जिम में सुबह बैठा करता है। हमले के पीछे आपसी रंजिश लग रही है। पुलिस सीसीटीवी के हिसाब से आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कमरों के निर्माण में हुए घोटाले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर शिक्षा के नाम पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि 5 लाख का कमरा 25 लाख रुपए में बनवाया गया। वहीं कई स्कूलों में बिना बनाए ही कमरों का भुगतान कर दिया गया। इस सिलसिले में SB ने विजिलेंस विभाग को शिकायत भी बढ़ाई है और जांच के लिए इजाजत मांगी है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।